अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, जैसे कि चंद दिनों पहले एक केस सामने आया दुआ ज़ारा, जिनकी वालदा एक शो में जाकर कहती हैं कि मेरी बच्ची मेरे गेट से अगवा कर ली गई है, पता नहीं उसे खाना दिया होगा या नहीं दिया होगा और किन जालिमों के पास है, और हमें पैसे वसूल करने के लिए कॉल्स भी रिसीव हो रही हैं। तो दुआ ज़ारा केस के लिए सबने हमदर्दी दिखाई और हर कोई दुआ के लिए दुआएं करने लगा कि उस बच्ची को हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। और एकदम से केस ने अपना पलड़ा चेंज किया, अपना रुख चेंज किया और लोगों के सामने एक वीडियो आई जो कि दुआ ज़ारा बाकायदा तौर पर कहती हैं कि मैंने निकाह कर लिया है लाहौर में किसी शख्स से और मैंने अपनी रजामंदी से किया। ये केस का पसे मंज़र था, जो कि हमारे साथ वकील मौजूद हैं, एडवोकेट हैं खुरम साहब, इन्हीं सब जानते हैं कि ये केस इनके पास कब आया और केस की गहराई क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू मैडम। सर ये केस आया कब आपके पास? जी मेरे पास 17 अप्रैल को केस आया था। ये वॉक इन क्लाइंट थे मेरे, दुआ और जहीर दोनों इकट्ठे आए थे मेरे। जहीर जो दुआ के शौहर हैं? जी, जो उसके शौहर हैं, वो दोनों इकट्ठे आए थे। मैंने मैटर को इंक्वायर किया, फिर उनके पेरेंट्स को, जहीर के पेरेंट्स को बुलवाया, क्योंकि दुआ के पेरेंट्स उसके पास ना तो वो सेल नंबर बता रही थी, ना ही उसका उनका कोई कॉन्टैक्ट था, ना ही वो आ सकते थे, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से जो लड़की अपने घर को, अपने वालदेन को छोड़कर यहाँ पे आ गई है, उसके पेरेंट्स ने तो पीछे नहीं आना था। और फिर जहीर के पेरेंट्स को बुलवाया और ये मामला सारा फिर हुआ निकाह। तो निकाह जो हुआ ज़ारा और जहीर का, उसके बारे में बताएँगे किस तारीख को इनका निकाह हुआ? 17 अप्रैल, उसी दिन, सेम डे पर हुआ। सेम डे पर हुआ जी, जब केस आपके पास आया? जी जी, उसी वक्त। सही, मतलब निकाह पहले नहीं हुआ था? जी पहले नहीं निकाह हुआ था। सही, तो वो आपके पास निकाह के सिलसिले में आए थे, प्रोटेक्शन के सिलसिले में आए थे, क्या मामलात थे? जी तमाम मामलात के लिए आए थे, निकाह के लिए भी आए थे, प्रोटेक्शन के लिए भी आए थे, और आगे फर्दर भी जो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो सारे मामलात मैंने किए, क्योंकि बीइंग एज ए प्रोफेशनल मैंने अपनी तमाम प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। जहाँ तक एडवोकेट की बातों में बातों से पता चलता है वो ये है कि जब उनकी वालदा ने वीडियो मैसेज छोड़ा, जब मॉर्निंग शो में, बाकी शोज़ में वो गए, वहाँ पर रोए धोए कि हमारी बच्ची अगवा हुई है, उसके बाद जाकर उनका निकाह हुआ है, जब वकील उन्होंने करवा लिया, मतलब ये 10 दिन 11 दिन बाद ये वाकया पेश आया। तो आप मुझे बताएँगे कि दुआ ज़ारा की उम्र जो है 14 साल बता रहे हैं, तो क्या 14 साल की बच्ची का निकाह जायज़ है? उसकी उम्र 14 साल है ही नहीं, वो हर जगह पे मेरे सामने भी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी, सेशन जज साहब की कोर्ट में भी उसने अपनी उम्र 18 साल ही बताई है। सही। और उसकी उम्र 18 साल ही होगी, क्योंकि जो बच्ची अपने मुंह से हर जगह पे 18 साल कह रही है, तो उसकी एज 18 साल है। अगर इस मैटर को किसी और तरफ ले जाएं कि वो 14 साल की है, नाबालग है, तो इसके बाबत एक बिल्कुल क्लियर हमारे पास मौजूद है, हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हुई है, उसमें कह दिया गया कि अगर लड़की की उम्र 16 साल नहीं भी है और कम है, लेकिन उसने अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर ली है, बलूगत हासिल कर ली है, तो वो निकाह कर सकती है, जायज़ है। मतलब कि अब 18 साल का कोई ऐसा मामला नहीं है? ऐसा कोई मामला नहीं है। तो उनके वालिद साहब, उनकी वालदा, जो अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका पासपोर्ट, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, सारा कुछ, जन्म पर्ची जिसे कहते हैं, वो लेकर फिर रहे हैं। 2005 में उनकी शादी हुई, 2008 में दुआ ज़ारा पैदा हुई, तो इन चीज़ों को आपने सामने नहीं रखा? नहीं, उस वक्त तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, मैं किस तरह उनको वो डॉक्यूमेंट देखता। लेकिन बात ये है कि जब लड़की ने एज ऑफ प्योरिटी हासिल कर ली है और वो पंजाब में, लाहौर में आ गई है, तो यहाँ का जो लॉ है वही उस पर अप्लाई करना है, ना कि सिंध का। और जो अब वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको पहले कर लेना चाहिए था, अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर लेनी चाहिए थी, उसको पे उस पर पूरा ध्यान दे देना चाहिए था, उसकी तरबियत करते, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करते, ये स्टेप ना होता। अच्छा वकील साहब, वैसे तो ये सवाल आपसे बनता नहीं है, मगर आपके पास दिन ब दिन केसेस आते होंगे, आप स्टडी भी करते हैं, आप केस को लड़ते भी हैं, अब जज के सामने प्रेजेंट भी करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिस तरह कभी लूडो पे शादी हो गई, किसी की पबजी के ऊपर शादी हो गई, किसी ने वैसे ही सोशल मीडिया ऐप पर कोई लड़का देखा तो शादी कर ली, बड़ी उम्रों के साथ भी हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों में भी शादी कर रहे हैं, इसके पीछे किस चीज़ की कोताही है? इसके पीछे वालदेन की लापरवाही है, जो प्रॉपर उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे, उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी प्रॉपर ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे। नानो नफका पूरा करना, कपड़े अच्छे दिलवा देना, ये परवरिश का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनका माइंड पढ़ें, उनका माइंड देखें, उनमें उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको शफ़क़त की ज़रूरत है,
जब इस चीज़ में लैक आ जाएगा, उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू हो जाएगी, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, हर चीज़ से रोका जाएगा। जिस तरह के दुआ को सातवीं क्लास से ही स्कूल जाना बंद करवा दिया था उसके वालिद ने, और आज से 4 साल पहले बंद करवाया था दुआ, आज से पिछले 4 साल से स्कूल नहीं गई। ये उसके वालिद ने अपने तमाम बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया था। तो ये सारे बयानात जो हैं ये दुआ के अकॉर्डिंगली हैं। दुआ के अकॉर्डिंगली हैं। सही, तो आपका जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी, केस तो ख़त्म हो गया, दुआ ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, अपने वालदैन के पास मैंने नहीं जाना, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने ज़हीर से शादी कर ली है, अब उसके साथ ही खुश हूँ, उसके साथ ही मैंने रहना है। सही। तो इस हवाले से आए थे तफ्तीशी अफसर, आए थे सिंध से, कराची से, उन्होंने भी अपने उनके बयानात दुआ के लिख लिए हैं और वह भी वापस चले गए। तो अभी आप क्या कहेंगे कि दुआ ज़ारा जो हैं वो प्रोटेक्शन के हिसाब से किस तरह महफूज हैं? जी, वो बिल्कुल महफूज हैं, उनका बयान रिकॉर्ड पे आ चुका हुआ है, अब उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, कोई उसको तंग नहीं कर सकता। जितनी देर तक दुआ नहीं चाहेगी अपने पेरेंट्स से मिलना, वो कोई उससे नहीं मिल सकता। माजद के साथ एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या ये अदालत का फ़ैसला गलत नहीं है कि एक बच्ची सिर्फ अपने अल्फाज बोल रही है कि हाँ मैं 18 साल की हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसे 14 साल का साबित कर रहे हैं, तो माँ बाप के हवाले करने के बजाय उसे आज़ाद कर दिया गया, तो ये बाकी जो हमारी जनरेशन है क्या इस चीज़ से बुरे असरात नहीं पड़ेंगे उन पर? नहीं, हमारे कानून में, कानून शहादत ऑर्डर में मौजूद है कि जब किसी बच्चे से या किसी बड़े से कोई क्वेश्चन करते हैं और वो रैशनल आंसर देता है, तो वो उसको समझा जाएगा कि ये समझदार है, आकिल है, ये बात को समझ के बयान कर रहा है। जज साहब ने अपनी मुकम्मल तसल्ली की है, इसी तरह उससे तमाम क्वेश्चन पूछे हैं, हर बात का उसने रैशनल आंसर दिया, बल्कि करेक्शन करवाती रही है अपने स्पेलिंग के नाम में और भी जितनी बात है कि जी इस तरह नहीं है स्पेल, ये इस तरह है, ये इस तरह है, हर चीज़ उसने बताई है कोर्ट में। तो इस चीज़ से वो मतलब उनको प्रोटेक्शन मिल गई है। तो आप क्या कहते हैं कि दुआ ज़ारा के भागने के पीछे सिर्फ ये जहीरनामी लड़का ही था या घर से कोई और परेशानियां भी थी? जी, घर में उसको फोर्स किया जाता था, उसकी शादी उसके वालिद साहब ने अपने बड़े भाई के बेटे जैनुल आबिदीन के साथ इस ईद पे तय पा गई थी कि इनका निकाह कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर किसी ने सवाल नहीं किया कि अगर वो 14 साल की है तो फिर निकाह क्यों किया जा रहा है? डबल स्टैंडर्ड है हमारे पास। अगर तो अपनी फैमिली में उसकी शादी कर दी जाए ज़बरदस्ती, तो वहाँ पे 14 साल का क्वेश्चन नहीं आएगा। सही। वहाँ पे 16 साल का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जहाँ पे शादी कर ले, तो वहाँ पे 14 साल का क्वेश्चन आ जाएगा। यही डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। पहले तो दुआ के बाप ने उस पर ज़बरदस्ती की, दुआ के वालिद ने उसको स्कूल छुड़वा दिया, उसका घर से निकलना बंद करवा दिया, टैब पे वो गेम खेलती थी, टैब से ही उसका रابطہ हुआ, बजाय इसके कि अपनी बच्ची की परवरिश पे ध्यान देते, और उल्टा इल्ज़ाम लग गया कि एक इसके पीछे ग्रोह है, मेरी मासूम बच्ची को अगवा कर लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सही, वो तो चीज़ें सबके सामने आई कि हमें थ्रेड कॉल्स भी आ रही हैं, तो आप, जाहिर सी बात है आपकी वीडियो काफ़ी लोग देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस ज़रिए से वो अपने बच्चों को जो है वो देख लुक आफ्टर कर सकते हैं, और ये गेम्स जो हैं उसके बाद जो है शादी का स्टेप लिया जाता है, ये अच्छा या बुरा? मेरी तो सब में सबसे एक ही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, लापरवाही ना करें, जो चीज़ उनको आप दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ये मोबाइल, ये टैब्स, ये सब कुछ, इनमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। छोटी उम्रों में आप उनको मोबाइल दे देते हैं, छोटी उम्र में ही आप टैब्स दे देते हैं, और बल्कि यहाँ तक कि मुझे तो आज तक नहीं पता ये पबजी है क्या, और उन्होंने वो पबजी से शुरू करके, बल्कि उससे पहले की गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस जो अब मुझे पता चल रहा है, वहाँ से शुरू करके पबजी और पबजी से आगे और जहाँ तक के निकाह, शादी और घर से भागना, ये आ गया। और मेरे मोबाइल, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मेरे एक दोनों में से एक में भी गेम कोई नहीं है, एक सादा सी गेम भी नहीं है, और मुझे तो गेम्स का भी नहीं पता, और बच्चों को सबका पता है, और उसमें वो सारा कुछ करके आ गए। लिहाजा पेरेंट्स को, बल्कि मेहदी साहब जो हैं ये तो खुद ऑनलाइन काम करते हैं, इनको तो सबसे, मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही पता होगा। मेहदी साहब दुआ के जो वालिद हैं, दुआ के जो वालिद हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं, वो बाहर किसी के साथ काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, घर में ही बैठे रहते हैं। इसी तरह बच्चों को भी उन्होंने महबूस करके रखा हुआ था। सही।
जो बच्ची जिसको तवज्जो की ज़रूरत थी, उसकी परवरिश का टाइम था, उसकी माँ की उसको ज़रूरत थी, जो कि एज ऑफ प्यूबर्टी के वक़्त माँ ही सबसे बेहतरीन दोस्त होती है, माँ ही वो बच्ची के मसाइल सुनती है, बजाय इसके कि वो बच्ची के मसाइल सुनती वो बच्ची पे तशद्दुद करती थी। तो लिहाजा उसने ये स्टेप लिया। लिहाजा यही दरख्वास्त है कि तमाम जो वालदैन हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनकी परवरिश पे ध्यान दें, और ताकि ये मामलात ना हों। आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर, आपकी नज़र में दुआ ज़ारा ने सही कदम उठाया या गलत? ये तो इखलाकी तौर पे देखा जाए तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब किसी पे तशद्दुद हो रहा है तो फिर आज़ादी इजहार राय और उसकी जो फ्रीडम है उसको तो नहीं बंद किया जा सकता। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये हमारे साथ दुआ ज़ारा के जो वकील हैं वो मौजूद थे और इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं और केस जो है वो बंद हो चुका है, दुआ ज़ारा के हक़ में आया है। जैसे कि उम्र बताई जा रही है सिर्फ 14 साल और दुआ ज़ारा के अकॉर्डिंगली उनकी उम्र 18 साल है, और अदालत ने भी कह दिया हुआ है कि बच्ची बेशक 15 साल की हो, बेशक 16 साल की हो, उसका एक टेस्ट लिया जाता है, उसमें अगर वो पास हो जाए तो उसे इजाज़त है कि वो निकाह करके किसी भी शख्स के साथ रह सकती है। तो यही हुआ दुआ ज़ारा के साथ। और ये मोबाइल जो है, मेरा खुद पर्सनली ओपिनियन है कि आप बच्चों को मोबाइल दें, मगर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों पर नज़र रखें। सख्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2022 का दौर है, बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, और ये गेम्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे जो क्राइम है और जो गलत कदम है, तो यही गलत कदम दुआ ज़ारा ने भी उठाया अपने ख़ानदान अपनी फैमिली में, जो उनकी बदनामी हुई, जो लोगों ने नज़रों से गिरे, ये सब चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखना चाहिए। हम लोगों को अपने बच्चों की लुक आफ्टर ज़रा ज़्यादा करनी चाहिए जो आजकल का वक्त है। तो आप भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।